बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके लिए चना चाट की एक बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। दही बल्ले चना चाट की काफी सारी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये जो चना चाट की रेसिपी है ये उन रेसिपीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे ये चेंज है, मुझे उम्मीद है आपने ऐसा चना चाट पहले कभी नहीं खाया होगा। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना सबसे पहले जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। चटकारेदार स्पाइसी चना चाट को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे रखेंगे हम एक अदद पैन। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर ये हमारे पास उबले हुए व्हाइट चने हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ही ये हमारे पास उबले हुए आलू हैं। अच्छे से यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हुए हैं इसे पकते हुए, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे हम जीरे का पाउडर। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और अच्छी तरह पर यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हमारे पास लीमू है इसका जूस। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ पर ये आगे जी हमारे पास 2 टेबलस्पून के बराबर इमली की खट्टी मीठी सी चटनी, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन यहाँ पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। चना चाट जो है वो हाफ डन हो चुका हुआ है, अभी ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको अब हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका हुआ है, इसे अब हम डालेंगे इस बाउल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 कप के बराबर बारीक कट की हुई प्याज है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ये बारीक कट किए हुए टमाटर हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कट की हुई शिमला मिर्च है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर ये पुदीना और धनिया है जिसे यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून भर के हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, नो इशू। और अब हम यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितना जबरदस्त, कितना टेस्टी और कितना स्पाइसी बनके तैयार हुआ है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो ये लीजिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशल किस्म का बिल्कुल मुनफरिद चटकारेदार चना चाट हमारा जो है वो बनके तैयार हो चुका है। आप लोग इसे स्पेशल इफ्तार पार्टीज में बना के जरूर रखिएगा, ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।